कभी जमा खाने में या अपने घर में कभी ये विचार किया कि बैतुल ख्याल का मैं मेंबर हूँ, तो क्या मैं सचमुच बैतुल ख्याल पे अमल करता हूँ या मेरा फर्ज क्या है? आपने कभी इस बात के लिए विचार किया कि एक बैतुल ख्याल के मेंबर को कैसा दुनिया में रहना चाहिए, उसके ऊपर क्या फर्ज और ड्यूटियाँ हैं? जानवर में और एक इंसान में यही तफावत है कि जानवर जो है वो सोच नहीं सकता, लेकिन इंसान सोचता है। जानवर अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर सकता, उसको ये पता नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन इंसान को खुदा ताला ने ये शक्ति दी है कि वो अच्छाई बुराई को समझ सके। जानवर के अंदर इस बात का कोई ख्याल नहीं कि वो अपने भविष्य के लिए या अपनी मौत के लिए या अपनी मौत के बाद के वक्त के लिए कभी वो सोचे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि तुम एक कोने के अंदर बैठ के तुम इस बात को सोचो कि भला तुम कौन हो। मैंने ये फरमान बहुत दफा अपनी आवाज़ों में कोट किए हैं। मौला फरमाया कि तुम एक कोने में बैठ के हर रोज नहीं बनता तो अठवाड़िए में एक दिन बैठ के, कभी अठवाड़िए में नहीं बनता तो 15 दिन में एक दफा, लेकिन महीने में एक आध दफा तो जरूर बैठ के सोचो कि तुम कौन हो। मैं इंसान हूँ, तुम्हारा अंतकरण तुम्हें जवाब देगा। जब मैं अपने आप को पूछूं मैं कौन हूँ, तो मैं एक इंसान हूँ। इंसान किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर समझ होवे, तो समझ के अंदर मुझे कितनी समझ है? मैं खुद ब खुद अपने आप को समझने की कोशिश करूं कि मेरे में कितनी समझ है, तो मुझे पता लगेगा कि मेरी डिग्री कितनी है। मौला अली मुर्तजा एक हदीस एक फरमान मुबारक है, मौला फरमाते हैं मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने खुद ब खुद अपने आप को समझ लिया, उसने खुदा को समझ लिया। मौला अली के इस फरमान को हमारे एक पीर ने गिनान के पाठ में कहा है। स्कूलों के अंदर हम ये गिनान बोलते हैं के जी अपनो आप पहचानो मानो तमे साहेब नाम धियावो। ऐ मोमिनो अपनो आप पहचानो अने मौला जो नाम गिनो, मौला को याद करो। मौला मुश्किल पिशा फरमाया कि तुम अपने आप को पहचानो, वो पहचानने के रास्ते पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया तुम एकांत में आराम से बैठ के कोने के अंदर तुम विचार करो कि मैं कौन हूँ। जवाब आएगा मैं इंसान हूँ, फिर तुम सोचो कि इंसान यानी क्या? कि इंसान वो जिसको समझ होवे,
फिर मौला फरमाया अभी तुम ये ख्याल करो तो भला तुम कहां से आए कि मुझे खुदा ने पैदा किया। मौला फरमाया खालिक और मखलूक, क्रिएट करने वाला, पैदा करने वाला मौला जो है और जो क्रिएटेड है यानी हम इंसान क्रिएटेड हैं, इन दोनों का संबंध क्या? मैं अगर इंसान हूँ तो मैं आपसे आप तो नहीं आया, मुझे किसी ने पैदा किया। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया तो फिर मेरे माँ बाप को किसने पैदा किया कि उसके माँ बाप ने? चलो चलते रहो, आखिर कहाँ ठहरोगे? एक जगह तो ठहरोगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया चली, आदम को खुदा ने खल्क किया और उसके अंदर ये ताकत रखी कि अम्मा हवा और हजरत आदम मिलके बच्चे पैदा करें और ये सिलसिला दुनिया के अंदर आज तक चला आता रहा। लेकिन खल्कत किसकी? खुदा रब्बुल आलमीन। जब हम इस बात को समझ ले रहे कि मेरे को खुदा ने पैदा किया है, भला हम इधर बैठे हैं, बोलो तो कोई हमारे में ऐसा है कि जो अपनी मर्जी से पैदा हुआ है? ऐसा है कोई कि जो कहे कि मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ? हम अपना नाम भी खुद नहीं रख सके, माँ बाप ने हमारा नाम रखा, अपनी मर्जी से हम पैदा नहीं हुए। और जब हम मरेंगे तो भी नॉर्मली हमारी मर्जी पूछने से नहीं आती, कोई खुदा पैगाम नहीं भेजता कि भाई तुमको मरना है, वो तो उठा लेता है, उठा ले। संभलो परिश्ता जीव रहना खाता काढ़ो जी। पैगाम आ गया, शेख के सामने खड़े हो गए, अब बोलेगा लाओ हिसाब किताब, पैदा हुए हो और मरे हो, इसके बीच में तुमने क्या किया? देखो दीनदारो, हम मुसलमान हैं और मुसलमान उसको कहते हैं कि जो इस्लाम दीन पे चले। इस्लाम दीन का मतलब ये है कि अपना सब कुछ खुदा के सामने सौंप दे रहे, उसको कहते हैं मुसलमान। अपने आप को खुदा के हवाले कर देने का नाम मुसलमान है। दाढ़ी मूछ वाले का, पगड़ी बांधने वाले का नाम मुसलमान नहीं। इमाम के एक फरमान में है कि शिमर जो था वो नमाज पढ़ता था, यजीद भी नमाज पढ़ता था, लेकिन जिसका वो कलमा पढ़ता था, कलमा किसका पढ़ता था? रसूलुल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था। जिस रसूल के ऊपर उसने ईमान लाया उसी रसूल के नवासे को यानी दूसरे को इस यजीद ने कत्ल किया, तो ईमान कहाँ रहा? नमाज तो पढ़ता था। जिस रसूल का कलमा पढ़ता था उसी रसूल के बच्चे को उसने मार डाला। तो सिर्फ सजदा करना या नमाज पढ़ने से आदमी मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो उसको कहते हैं जो अपना आप खुदा रब्बुल आलमीन को सौंप दे। अय मोहम्मद, तुम इन लोगों को कहो, नबी के ऊपर वही उतरी, कुरान पाक के अंदर है, अय मोहम्मद इनको कहो कि जब तक तुम अपनी जान माल औलाद जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ज्यादा मेरे से मोहब्बत नहीं करोगे, मेरे से मतलब अल्लाह के रसूल से, तब तक तुम सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह की ताबेदारी करे, इबादत करे और उसके रसूल का हुक्म माने। रसूल ने कहा कि मैं अब दुनिया छोड़ के जाता हूँ, मेरे बाद तुम अली का हुक्म मानना। जब अली दुनिया छोड़ने लगे तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं अभी जाता हूँ, हुसैन का हुक्म मानना। हुसैन जब दुनिया से जाने लगे तो इमाम जैनुल आबदीन का हाथ पकड़ के कहा इसकी ताबेदारी करना। इमाम जैनुल आबदीन जब दुनिया छोड़ने लगे तो जमात को, मुरीदों को कहा कि ये मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर है, इसका हुक्म मानना। ये सिलसिला हम इस्माइली जानते हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि
जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने हमारे लिए एक विल की कि मेरे बाद करीम तुम्हारा इमाम है। यह सिलसिला अली नबी से चला आता है। भला हम बताओ, हम इस्माइली हैं। इस्माइली का मतलब क्या? इस्माइली मुसलमान हैं। फिर अपने आप को इस्माइली क्यों कहलाते हैं? हम क्यों खाली अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाते? हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, सच है, लेकिन साथ साथ हम इस बात की तफावत रखते हैं कि हम इस्माइली मुसलमान मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्माइली मुसलमान हैं। तो इस्माइली मुसलमान और मुसलमान में फर्क क्या? मैं बताऊं? आप हंसोगे। इस्माइली मुसलमान में और एक आम मुसलमान में फर्क क्या है? एक मुसलमान है, मस्जिद में जाता है, कुरान पढ़ता है, दाढ़ी रखता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि अभी आप में से है हिम्मत किसी में कि खड़ा होकर मुझको कहे कि इस्माइली किसको कहते हैं? मैं 2 मिनट चुप होता हूँ। बोल दिनदारो, इस्माइली उसको कहते हैं कि जो सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करने वाला। अल्लाह किसी बदन का नाम, किसी थमले का नाम नहीं, किसी मूर्ति का नाम नहीं, किसी कुर्सी का नाम नहीं, किसी तख्त का नाम नहीं। अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह जो है वो नूर है। इसी नूर को हम पूजते हैं, हम इस्माइली। नूर की कोई शक्ल शबाहत नहीं। नूर ये आंखों से नहीं दिखता। जिस तरह हमारे अंदर एक आत्मा है जिसको हम रूह कहते हैं, उस रूह की आंखों से हम खुदा को देख सकते हैं, नहीं तो खुदा नहीं दिखता। भला बोलो, आपने कभी खुदा को देखा? खुदा नूर है ना, जाहिर की आंखों से नहीं दिखता, बातुन की आंखों से दिखता है। आपने देखा कभी? आपको कभी शौक हुआ कि मैं खुदा को देखूं तो सही? रोज मैं कहता हूँ खुदा 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 खुदा, लेकिन देखूं तो सही? मूसा नबी के पास लोग आए के कहने लगे कि या मूसा, भला खुदा कैसा है? मूसा नबी चुप हो गए। नबी थे, कुछ जानते थे, खुदा को जानते थे, मगर ये समझते भी थे कि जिन्होंने मुझे सवाल किया मैं उनको समझाने जाऊंगा तो वो समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मूसा नबी चुप हो गए। तो लोगों ने प्रेस किया, मूसा नबी तूर पहाड़ से गए, जूतियां उतारी और पहाड़ पे जाके हाथ बांध के कहा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये वो शब्द हैं कि दुनिया के लाखों मुसलमान जब हज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो दौड़ते जाते हैं काबा की तरफ और उसकी आजू बाजू में तवाफ करते जाते हैं और पुकारते जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे सामने हूँ। अपने आप को उसके सामने पेश करने की बात है। खुदा तो हर जगह है। आप इधर खड़े खड़े कह सकते हो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया तो आवाज आई, अरे मूसा क्या बात है? कहते या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। फरमान किया कि नहीं मूसा, तू मुझे ये जाहिर की आंखों से नहीं देख सकता। मूसा नबी थे, जानते थे, लेकिन मूसा ने लोगों को बताने के लिए अल्लाह के सामने ये बात रखी कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये जाहिर की आंखों से तुझे देख सकूं? अल्लाह फरमाया नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता। हाँ, अगर तेरा बहुत ही मन चाहता है तो मैं खैर अभी अभी एक जलवा डालता हूँ ये पहाड़ के ऊपर जिस पे तू खड़ा है। कभी ये सारे इतने बड़े करोड़ों मन तन के पहाड़ के अंदर इतनी सहन शक्ति हुई कि मेरा जलवा सहन कर ले रहे तो तू मुझे देखेगा। अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली, तजल्ली क्या कहते हैं कि ऐसा बत्ती को
ऑन करके फौरन ऑफ कर दो तो एक धबकारा होता है। इस तरह से खुदा ने अपना एक जलवा दिखाया, वो पहाड़ जल गया, ऐश बन गया, खाक हो गया, पाउडर बन गया। मूसा नबी बेहोश हो गए। अगर मूसा नबी न होते तो वो भी जल गए होते, नबुवत के ताकत से जीते रहे, बेहोश हो। जब होश में आया तो कहा, या अल्लाह तू धन्य है, तू सर्वशक्तिमान है, मेरी भूल हुई, इन आंखों से तुझे देखने की शक्ति नहीं। तो दिन दारो खुदा ताला तो है, लेकिन उसको देखने के लिए हमारे अंदर जो एक रूह है उन आंखों से हम उसको देख सकते हैं। हाँ, उन आंखों से देख सकते हैं। तो उन आंखों के लिए हम क्या करें? उसने कहा, इबादत करो, अपने अंतर की आंखों को खोलो। ये बाहर की आंखें बंद करोगे तो अंतर की आंखें खुलेंगी। बाहर की आंखों में लोभ लालच समाया है, बाहर की आंखों के अंदर बदनजरी समाई है, बाहर की आंखों में हसद ईर्ष्या समाया है, बाहर की आंखों में तेरी मेरी दुश्मनी समाई है। तो ये बाहर की आंखें जब खुली है तो अंतर की आंखें बंद है। इन आंखों को बंद करो तो अंदर की आंखें खुले। और इनको बंद करना सिर्फ ये नहीं है कि अभी 2 मिनट की बंदगी हुई हमने आंखें बंद कर ली। आप अपने अपने मन में समझना, अभी 2 मिनट की बंदगी में शायद आप में से आखिरी जमात में से 1-2 होंगे कि जिसने सच्चे ध्यान से ये 2 मिनट ध्यान लगाया। हम ध्यान लगा सके, हमारा ध्यान लगा, 2 मिनट में क्या ध्यान लगता। परोड़िए की इबादत हर रोज करने वाले को भी 10-10, 20-20 बरस लग जाते हैं कि उसकी एक दिन तार मिल जावे तो उसको जलवा दिखे। हमको उस बात का शौक ही नहीं। आदत हो गई हमारी कि बच्चा पैदा हो गए तो 1-12 शिलिंग रुमुखी के हाथ में दे के हम बच्चे को लश्कर में दाखिल कर दिया, बड़ा हुआ तो एक बोल ले लिया। बस हमने बोल तो ले ही लिया, इबादत का शौक पैदा ना हुआ। यही समझने की बात है। इतनी बहुत लंबी चौड़ी बात लाने के लिए मैंने आपको ये जो समझाना था कि यही कि हमने बोल तो ले लिया, इसलिए बोल लिया कि हजर इमाम का जो नूर है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बदन नहीं, हजर इमाम के हाथ पांव खुदा नहीं है, वो कपड़े पहनने वाला शरीर है वो खुदा नहीं। खुदा तो वो नूर है जो उसके अंदर है, उसको देखने के लिए हमने उसको जाके पूछा, या इमाम तेरे नूर को देखने के लिए क्या करें? कहता है, मैं तुम्हें चाबी बताऊं। हम वो चाबी लेके इसमें आजम लेके घर चले आए, आराम से सो गए, खोगड़े मारते रहे, कुछ पता नहीं। कभी सतारा शुरू हुआ तो चले आए 7 दिन और फिर सो गए। दिनदारो आज हमारी हालत इतनी खराब है, तंजनिया जमात की और इसमें खास तौर से दार सलाम जमात रूहानियत के अंदर इतनी पीछे पड़ गई है कि मोह ममता माया मौज शौक इसमें बिरयानी और कुकड़ों में हमारा मन फंस गया, अच्छे कपड़े और मौज शौक में मन फंस गया, सिनेमा और वीडियो में मन फंस गया, मोटरों और बंगलों में मन फंस गया। हर एक की किस्मत उसके साथ है। मैं आपका जवाबदार नहीं, आप मेरे जवाबदार नहीं। ऐ नबी, इन लोगों को कह दे कि तुम्हारी करतूतों का मैं जवाबदार नहीं हूँ। हर इंसान ऐसा ही है, कोई एक दूसरे के जनाजे में नहीं बैठेगा। मेरा बाप मर गया, गुजर गया, उसके जनाजे में मैं नहीं बैठा। मेरा बाप अपने जनाजे में गया, मेरी माँ गुजर गई, बहुत प्यार करती थी, लेकिन तो भी मैंने ऐसा ना किया कि माँ की कब्र में मैं सो जाऊं और माँ बाहर रह जावे, ऐसा नहीं हुआ। आपका जनाजा उठेगा तो कोई दूसरा उसमें नहीं आएगा, अपने जनाजे में खुद को जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं समझना कि नहीं मेरा तो कभी मौत होगी ही नहीं, ऐसा नहीं समझना, मौत होगी, मरना है,
और लाजिम मरना है, लाजिम मरना। नहीं तेरा बाप माई, न तेरा बाप रहेगा न तेरी माँ रहेगी। नहीं तेरा बहन भाई, तेरा भाई और बहन भी तेरे साथ कोई नहीं आएगा, रो पीट के चुप हो जाएंगे और उसी शाम को पिलाव खाएंगे, उसी शाम को तुमको कब्र में डाल के घर आके पिलाव खाएंगे, इसी कीमत खड़ा करेंगे, सब भूल जाएगा। नहीं तेरा सजा साई, न तेरा बाप न तेरी माँ न तेरे भाई बहन न तेरे सगे कुटुंबी, मन माहे तू विचार, तुम चेत मन मेरा, तुम विचार तो करो। कितनी मौतें हमने देखी हैं, गए 3-3.5 महीने के अंदर 40-45 आदमी हमारी जमात के अंदर घट गए, 40-45 जनाजे उठे हमारे इस सारे सलाम में जून महीने से लेके, हमने बहुत से जनाजे अटेंड किए, कब्रस्तान भी गए, लोगों के मुंह भी देखे मैयत में, किसी ने अपने सगे कुटुंबी को छाका भी दिलवाया, जियारत के पिलाव भी खाए। कभी एक घड़ी दिल के अंदर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं भी इसी तरह से सो जाऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके मुझे भी छोड़ेंगे, मुझे भी मरना है एक दिन, ऐसी याद ही आई। लेकिन दुनिया की खुमारी में, दुनिया के नशे में, माल दौलत कुटुंब कबीला बिजनेस मौज शौक के कारण से, और वो पैसा के जो हलाल से नहीं आया, खराब रस्ते से दगे फटके से जो कमानी की है और उसमें से हमने दसवंत कभी निकाली भी है, तो हराम के पैसे से दसवंत भी निकालोगे तो ये दसवंत बचाएगी नहीं। मैं चोरी करके हाजर इमाम के पास जाके मैं मेहमानी रख दूं तो दीनदारों वो मेहमानी मेहमानी नहीं है। मेरे गांव के अंदर मैंने बहुत बरस पहले एक जगह दाखला दिया था, मेरे गांव अमृतसर में, जहाँ ये 3 महीने पहले सख्त झगड़ा हुआ गोल्डन टेम्पल का, एक बुजुर्ग शख्स थे, उसका एक ही लड़का था, उस आदमी को अपने मजहब पे यूं एतकाद खड़ा, लेकिन जमात खाने आता नहीं था, उसका मेन बिजनेस जुगाड़। अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम के ऊपर हिंदू लोग बहुत जुगाड़ खेलते हैं, इसकी दोस्ती तो थी ही, चला गया एक दिन। हुआ ये कि 500 रुपए जीता, आज से 60 बरस पहले 500 रुपए आज के 50,000 नहीं लेकिन 5,00,000 रुपए जितने हैं, क्योंकि लोगों की पगार 15 रुपए थी, कोई नौकर चाकर के कोई सिविल सर्वेंट कोई क्लर्क नौकरी करे तो पगार कितनी 15 रुपए, सोल्जर की पगार 10 रुपए, इसको 500 रुपए मिले इतना खुश हुआ, फौरन उसके भाग गया, कभी बैठा रहता क्षण और भी हार जाता, लेकिन 500 रुपए मिलने से पैसा लेके भाग गया। उन्हीं दिनों में हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का बम्बई के अंदर पधरामनी का प्रोग्राम हुआ, तो इसको ऐसा हुआ चलो मौला का दीदार करें, 12-14 रुपए टिकट थी अमृतसर से बम्बई तक, औरत और बच्चे को लेके ये भाई साहब बम्बई गए। जिस दिन बम्बई पहुंचा, अमृतसर से बॉम्बे जाने के लिए 2 दिन लगते हैं, जिस दिन पहुंचा सुबह के वक्त हसनाबाद में जाके ठहरा यार दोस्त के पास, था लगा कि आज तो बड़े जमात खाने में खड़क जमात खाने में 10 गोती है, बस नहा धो के तैयार हुए गए 10 गोती के लिए। 10 गोती उसका मतलब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में हसन अली शाह माँ बाप के टाइम से ये सिस्टम चली आती थी, अभी हमारे हजरत इमाम ने उस चीज को बंद कर दिया है। मैंने एक दफा अर्ज की थी, मैं बोला खुदावन तू 10 जुमाना बंद कर दिया, कबूल को कर ले, मुझे जवाब नहीं दिया, धनी है उसकी मर्जी। मैंने एक दफा हजरत इमाम को यह भी अर्ज किया था, मैंने कहा खुदावन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह मेहमानी में आके बैठते थे, सामने पास पे मेहमानी पड़ी होवे, कुटुंब कबीला आजू बाजू में बैठे और कुर्सी के ऊपर आके बैठे, भले 1 मिनट बैठे लेकिन अपने को लगे कि मौला मेरे घर से आया मेरी मेहमानी खाने के लिए, खुदावन तुम बैठे होते हो
लोग लाइन में आते हैं, तुम हाथ रख के दुआ फिर देते हो चले जाओ। माँ बाप बहुत हंसा, मुझे कहा कि देख मेरे दादा के पास बहुत टाइम था और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेहमानियाँ रख सकते हैं। अब तो मेरे बरुहानी बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, मेहमानियाँ भी बहुत होती हैं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तेरी मर्जी। तो सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम में दर शनिवार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जमात खाने में आवे और दस चुमावे, यानी दस चुमावे हाजिर इमाम का हाथ लेके किस करे, आंखों को लगाए। रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है, अभी भी आप देखो मुसलमानों के अंदर जो आलिम मुल्ला उलमा लोग हैं, शेख जो हैं, जब भी वो आवाज वगैरह करके नीचे उतरते हैं तो लोग जाके उनका हाथ चूमते हैं। हाथ चूमना अपने मजहब की कोई प्रणाली का यानी ऐसा प्रिंसिपल की बात नहीं है, इज्जत की बात। तो इमाम हाथ चुमाते थे, जब जमात बहुत बड़ी हो गई तो मौला ने हाथ चुमाना बंद कर दिया, सिर्फ आदमी जावे जो कुछ भी नजराना रखना है, मौला के पांव के पास प्लेट पड़ी हो गए उसके अंदर दो आनी, चार आनी, आठ आनी, एक रुपया चांदी की, इधर की हमारी जो ये चुमनी है 50 सेंट, ये साइज की चार आनी होती थी और एक सेंट अभी तो नहीं मिलता, लेकिन कभी एक सेंट देखो तो इतनी साइज की दो आनी होती थी, वो भी चांदी की, चार आनी भी चांदी की और आठ आनी की साइज एक शिलिंग जितनी होती थी और रुपया शिलिंग से बड़ा होता था। हर आदमी कोई भी जावे कमती में कमती दो आनी चांदी की रखे, पैसे वाले लोग रुपया रखते थे, कोई बहुत मालदार हो गए तो एक पाउंड रखता था, 10 रुपए का पाउंड होता था, गिनी जिसको कहते हैं। लेकिन मोस्टली लोग दो आने चार आने दो आने चार आने ही रखे। तो मौला उसके सिर पे हाथ रखे और दुआ दे रहे खानाबाद खानाबाद, ऐसा लोग आमे अपना नजराना रखे, नमन करे, साथ उसकी पीठ के ऊपर या उसके सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ करे, चले जावे। ये भाई साहब गए, 500 रुपया जुगाड़ में मिला हुआ था, इसने सोचा कि मैं दो आने चार आने का रखू, 10 रुपए की नोट निकाली, 10 रुपए की नोट निकाल के उधर रखी और हाथ बांध के झुका के मौला हाथ रखे, साहब ने इसके सिर पे हाथ ना रखा, ऊंचा हुआ तो साहब नीचे झुक के साहब ने दो उंगली से वो नोट उठा के इसको फरमाया, देखो ये तुम जुगाड़ का पैसा ले जाओ, हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। हाजिर इमाम है, मालिक है, उसको तो पता है कि ये हलाल का पैसा लाया हराम का लाया, इसको काटो तो लोही ना निकले। सब लोग जो आजू बाजू में मौला के अमलदार खड़े थे सब हैरान हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि इमाम को पता है, पहले तो अपना ईमान मजबूत करो कि ये ईमान ये मजबूत करो कि मौला नूर है, ये मजबूत करो ईमान को। जब ये ईमान मजबूत हो जाए कि नहीं आप सचमुच मौला को अल्लाह का नूर मानते हो, तो ये भी मजबूत करो कि इसको सब कुछ पता है। सच बात तो ये है हमारा ईमान कमजोर हो गया है, इसलिए हम दरकार नहीं करते। ईमान अगर हमारा मजबूत हो गए तो हम जानते हैं कि ये अल्लाह का नूर है, हम जानते हैं कि इसको सब कुछ पता है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि इसका हुक्म मानना चाहिए। लेकिन हम हुक्म क्यों नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि हमको ये ढचू पचू है कि खरेखर ये सच्चा है कि झूठा है। अगर सच्चा है तो फिर क्यों इसकी बात में नहीं मानते, क्या उसने नहीं कहा कि रोज जमात खाने आया करो, क्या उसने नहीं कहा कि सुबह भी आया करो, क्या उसने नहीं कहा बोल लेते वक्त के रोज इबादत करना, क्या उसने नहीं कहा कि अच्छे तरीके से आप कमानी करो और उसमें से 10% निकालो, क्या उसने नहीं कहा कि बदियों गुनाहों नाफरमानियों से बचो, क्या उसने नहीं कहा कि आप नेक इंसान बनो, क्या उसने नहीं कहा कि बदाइयां और मेरी नाफरमानी छोड़ दो। बोलो मुझे कहो कि इमाम ने कहा कि नहीं कहा, और अगर कहा है और फिर आप नहीं मानते तो मतलब क्या है, ये झूठा है या आप झूठे हैं, दोनों में से एक झूठा है। अगर आप सच्चे हैं तो आपने इमाम को झूठा बना दिया, और अगर इमाम सच्चा है तो कबूल करो हम झूठे, हमारा ईमान कमजोर है। अरे परोड़िए जमात खाने के अंदर 10 आदमी भी नहीं होंगे, इतने तुमको नींद आती है, तुमने इमाम से प्रॉमिस किया है उसकी कोई शर्म नहीं, तुमने इमाम की बयत करके वादा किया है उसका कोई तुम्हें याद ही ख्याल नहीं, कहां सोए हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहां सोए हो।
आज मैं आपको झंझूर से उठा रहा हूँ, तुम इतनी गफलत की नींद में सोए हो कि मैं तुम्हारे खंभे पकड़ के तुमको हिला रहा हूँ कि उठो। अपनी गफलत की नींद को छोड़ो, अपने किए हुए वादे को याद करो, अपने ईमान को ताजा करो, अपने ईमान को पूछो कि मेरा ईमान कच्चा है या मेरा ईमान पक्का है। और अगर खुदा न करे आपका ईमान कच्चा है तो उसको ठीक करो, पक्का करो। मगर दीनदारों, मजहब को समझो, मजहब को समझो। इस्माइली मजहब पे लाज मत लगाओ, हजर इमाम पे लाज मत लगाओ, उसको झूठा मत साबित करो। हम अपने बद आमालों से, अपनी नाफरमानियों के कारण से जब बदनाम होते हैं, मुसीबतें दुख आते हैं, तो दूसरे देखते हैं कि ये इन लोगों का मजहब ऐसा है। हमारी बदामालियाँ, हमारी नाफरमानियाँ, हमारी बदियाँ बुराइयाँ, हमारे गुनाहों के कारण से इस्माइली मजहब को हम बदनाम कर रहे हैं, हजर इमाम को बदनाम कर रहे हैं। तेरी मेरी फिसाद झगड़ा, एक दूसरे की चुगली चाली पुलिस में रिपोर्टें करते हैं, एक दूसरे को रिपोर्टें करते हैं, मालूम नहीं कहाँ से हमारे अंदर इतनी बड़ी मखरूरी, इतना बड़ा हसद, इतनी बड़ी बड़ाई और इतना बड़ा तकब्बुर आ गया है। मोमिनो, सब कोई जानो जार है। जार कहते हैं नेट को, जिसके अंदर मच्छी पकड़ते हैं ना, जाल डालते हैं। जब लग हरिया तेरा खेत है, यहाँ खेत से मतलब तुम्हारा शरीर, जब तलक तंदुरुस्त हो, जब तलक जवान हो, जब तलक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तब लग तुम आप संभाल, चेतो याद रखो, अपने आप को संभालो। ये लोग, ये कुटुंब, ये परिवार, ये दौलत, ये माल, ये बंगले, ये मोटरें, ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये जहर की तरह है, ये जाल है, जो नेट है जिसमें तुम फंस रहे हो। इस नेट में से, इस जाल में से बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो। हमारा मजहब नहीं कहता कि हिंदुओं के साधुओं की तरह, जिस तरह से राजपाट छोड़ते वो लोग जंगलों में जाकर इबादत करते थे, हमारा मजहब इस्लाम जो है वो इस तरह से नहीं कहता। हमारे नबियों ने, हमारे इमामों ने शादियां भी की, बच्चे भी उन्होंने पैदा किए दुनिया के अंदर, उन्होंने घोड़े भी रखे, उन्होंने मकान भी बनाए, उन्होंने तिजारत और बिजनेस रोजगार भी किया, एक नॉर्मल इंसान जैसी हमारे नबियों और हमारे इमामों ने जिंदगियां गुजारी। मगर वो अल्लाह का नूर थे और लोगों को हिदायत करने के लिए इस दुनिया के अंदर जाहिर हुए थे। और उनके हाथ के नीचे उनके जो मोमिन थे, यानी इस्माइली और सच्चे पक्के मुसलमान, उन्होंने भी दुनिया के अंदर इसी तरह से काम धंधा भी किया, माल दौलत भी की, बीवी बच्चे भी हुए, दुनिया के अंदर रहे, मात पिता की खिदमत भी की और कुटुम कबीले की भी मदद की, मगर नेक आमाल से रहे, अच्छी हालत में रहे, डर के रहे, किसी की भलाई कर सके तो थी, लेकिन किसी की बदी बुराई के अंदर शामिल न हुए। ये इस्माइली मजहब है। कमानी करो, खुशी से करो, रिश्त धंधा करो, रिश्त कर खाओ पियो, निर्दोष रमत गमत मौला फरमाया हमारे मजहब में जायज है। मौजूद करो निर्दोष, जिसमें गुनाह ना हो, लेकिन शाम को जमात खाने आ जाओ, सुबह जमात खाने आ जाओ। बैतुल ख्याल का बोल लिया है तो फिर परोड़िए नहीं आते तो कितना बड़ा गुनाह करते हो। अगर आपके पास से कोई आदमी उधार कुछ ले जाए या कुछ माल ले जाए और कहे कि मैं आपको परसों पैसे वापस करूंगा, फलानी तारीख को वापस करूंगा, और कभी नहीं करता तो आपको दुख लगता है कि नहीं लगता? मांगनी करते हो कि नहीं करते हो? उगरानी करते हो या छोड़ देते हो? बिजनेसमैन हो तो उगरानी करोगे, नहीं देगा तो बिगड़ोगे, गालियां भी दोगे, दूसरी दफा माल भी नहीं दोगे, फिर भी नहीं देगा तो अदालत में ले जाओगे, उसके ऊपर केस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? आपके पास कोई आके आपका वादा तोड़ देगा तो कितने बिगड़ते हो? और आपने हजर इमाम के साथ वादा करके तोड़ दिया, उसके लिए कुछ ख्याल है? बयत की है, या मौला मेरा तन मन धन तेरे कदमों में अर्पण करता हूँ, या मौला मुझे बैतुल ख्याल का बोल दे, मैं रोज सुबह उठ के आया करूँगा। बोलो क्या तफावत है, क्या समझते हो अपने आप को? इमाम के साथ जंगाइयां करते हो, सुहाली लफ्ज है, आप किसी तरह समझ सकते हो? ये फरेब है, ये दगाबाजी है, इसी चीज से हमारा ईमान खराब होता है,
सबसे पहली चीज ये करो, कुछ भी काम करो मौलाना हजरत इमाम की फरमान बरदारी करो, हर बाबत में इमाम की ताबेदारी करो। कुछ भी काम करते वक्त अगर पता नहीं है तो किसी मिशनरी से या किसी वजीर से पूछ लो कि ये काम करने में नाफरमानी तो नहीं। अगर आपने जीवन में ये एक सबक सीख लिया कि मौलाना हजरत इमाम की फरमान बरदारी करेंगे, फरमान कभी नहीं तोड़ेंगे, तो आपको मुबारक है, सुखी रहो, आप सच्चे पक्के इस्माइली हो, आपको मुबारक। मौला आपकी इस चीज के अंदर मदद करे। इस्माइली मजहब जो है मौलाना हजरत इमाम की ताबेदारी का नाम है। हमारे इस्माइली इतिहास में, हमारे इस्लामिक इतिहास में ऐसे बहुत हुए कि राजाओं ने अपना राज छोड़ दिया। जिस राज में सुलम होता था, जिस राज में कावा दावा होता था, जिस राज को चलाने के लिए उन्होंने देख लिया कि अच्छी तरह से नहीं चलेगा, ऐसे लोगों ने राज छोड़ दिए। इब्राहिम आजम का एक मशहूर दाखला है, बलख का बादशाह था। आजकल बलख जो है वो रशिया में है, अफगानिस्तान के ऊपर बलख नाम का गांव है, बलख बुखारा, बुखारा भी रशिया में है, समरकंद भी रशिया में है। उस जमाने के अंदर ये इस्लामिक सल्तनतें थी, तो ये इब्राहिम आजम ये बलख का बादशाह था। इसने राज छोड़ दिया खुदा की इबादत के कारण से, क्योंकि राजपाट खुदा की गंदगी में हानिकारक होता था, यानी अड़खिली करता था, खलल डालता था। राज छोड़ दिया, राज छोड़ दिया। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक आदमी की दी हुई, बाहर से कोई राजा बादशाह ने नबी के लिए एक धारीदार कपड़ा, लाल रंग की स्ट्राइप वाला कपड़ा भेजा, कॉटन का कपड़ा था लेकिन बड़ा खूबसूरत था। रसूलुल्लाह ने उसका जब्बा बना के तो पहना, नमाज के अंदर तो देखो इमाम और नबी जो करते हैं वो हमारे लिए दाखला देने के लिए बातें करते हैं, वो तो पाक हैं। निगाह पहुंची उस कपड़े के ऊपर, बस इतनी सी बात कि कपड़े के ऊपर नजर पहुंची, खुद के पैराहन के ऊपर नजर पहुंची। जब नमाज पूरी हो गई आपने उसको उतार के फकीर को दे दिया। लोगों ने पूछा ये हजरत क्यों, फरमाया कि नमाज में इस कपड़े के ऊपर मेरी नजर, मेरा ख्याल चला गया, मेरा ख्याल चला गया। देखो तो सही, ये सिखाने की बात है रसूल की और हमारे लिए सीखने की बात है। हम दुआ के अंदर बैठे रहते हैं, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है, कोई यूं बैठा होता है, दुआ में हमारे हाथ नहीं उठते, यूं ही पड़े रहते हैं, सजदा निकल जाता है, हमको याद नहीं होता, यूं ही मूर्ति की तरह बैठे होते हैं, हमारा ध्यान किधर होता। हमने तो पहली एबीसी ही गलत रखी हुई है। मामूली चीजें जो रोज जमा खाने आना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए और अपने मजहब की बाती की क्रियाक्रम मोहब्बत प्रेम से सोच के समझ से ध्यान से अटेंटिवली जो करनी चाहिए, दीनदार उसमें ही हमारा ख्याल ध्यान नहीं है, तो हम बैतुल ख्याल के उस आला दर्जे के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। फरमान बरदारी करो, हजर इमाम का हुक्म मानो, हजर इमाम के हुक्म में जो बातें हैं वो करो। हजर इमाम फरमाया रोज जमा खाने आओ। दीनदारो मैंने आपको शुरू में अर्ज की कि मेरे जनाजे में कोई दूसरा नहीं आएगा, आपके जनाजे में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो उधर मौला के पास जाके हिसाब भी हमको ही देना पड़ेगा। फरिश्ते को हुक्म करेगा लाओ इसका हिसाब, जी बड़ाना खाता काटो। हे जी पाने पाने जीवना पापने खा नाम है धर मानो अखर न सूझे जी। चोपड़ा खोला तो सब तो डेबिट ही डेबिट है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं, कोई धर्म का तो एक अक्षर भी नहीं। ऐसी हालत हमारी नहीं होनी चाहिए। हम इस्माइली हैं, मौलाना हजरत इमाम को वचन दिया है, मौला की बयत की है, हमारे बाप दादा का धर्म है, दुनिया है, उसमें हम कभी फंस जाते हैं तो मिशनरी लोग इमामों की तरफ से जमात को जागरूक करते हैं, तो हमें जाग जाना चाहिए, अपनी भूल को कबूल कर लेना चाहिए। या मौला मेरा गुनाह हो गया, तू माफ कर, मेरी मदद कर, मैं रोज जमात खाने आऊंगा। वजीर इस्माइल गांधी की सारी जिंदगी एक शब्द के ऊपर से बदल गई और ऐसी बदली
कि मरने के बाद अली का माँ बाप ने उसको पीर का दर्जा दिया। सच्ची किसी दिन जिंदगी की बात सुनाऊंगा, वैसे सुनाई हुई है लेकिन कभी कभी रिपीट करनी चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, मौला आपको अपना फरमान बरदार मोमन बना ले, मौला आपकी दुनिया में दीन के अंदर चलती करे, हर किस्म की मुश्किलें दूर करे, आपके दुश्मनों को दफा करे, दुश्मन सुकरीत में पूरा करे, इबादत बंदगी में पूरा करे, मौला अपनी रहमतें आपके ऊपर नाजिल करे, मौला आपके कुटुंब कबीले में सलासम मोहब्बत बख्शे, जमातों में सलासम मोहब्बत दे दे, मौला आफतें बलाएं दूर करे, मौला दीन में दुनिया के अंदर अपनी छतर छाया में रखे, मौलाना हाजर इमाम आपके ऊपर खूब रहमतें करे, जहर बातन दीदार नसीब करे, सुखी आबाद करे, मौला आपसे राजी हो गए।